कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने का मामला। उलमाए अहले सुन्नत चिराग पा बेंगलुरु में मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल और कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मस्जिद हज़रत बिलाल टैनरी रोड में मुनाकद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जामिया हज़रत बिलाल के सरपरस्त अलहाज ए अमीर जान, कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफई सादी, जामिया हज़रत बिलाल के मोहतमिम मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी और दीगर उलमाए अहले सुन्नत ने शिरकत की। टूबी ज़मरे के तहत 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने के फ़ैसले को हुकूमत फौरी तौर पर वापस ले। असम्बली इंतखाबात से कबल बीजेपी हुकूमत ने अपना काला चेहरा पेश किया है। मुस्लिम सियासी लीडरान सेक्युलर सियासी पार्टियां खामोश न बैठें, अपनी जिम्मेदारी बखूबी अदा करें। कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड और मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल का मुश्तरका बयान। पेश है जुनूबी न्यूज़ की रिपोर्ट। खुदा हुकूमत ने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन जो कोटा था उसको ख़त्म कर दिया गया। जो रियासत कर्नाटक के मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन के लायक कल का दिन था, ये वो 4% कोटा है कि जिस कोटे की बुनियाद से मुसलमान बच्चे एजुकेशन तालीम हासिल करने के लिए इस कोटे की वजह से उनको काफ़ी सपोर्ट होता था और उसकी वजह से जो नौकरियां मिलती हैं तो गवर्नमेंट नौकरियों में काफ़ी हमारे बच्चे नौकरियां पाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत कर्नाटक में जो बड़े ओहदों पर जो मुसलमान फाइज हैं अक्सर लोग इसी कोटे के ज़रिए से वहां तक पहुंचे हैं। हमने जो कल का बयान वज़ीर आला का सुना उसमें उन्होंने ये कहा कि ज़ात मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन आइन में मौजूद नहीं है, इसलिए हमने इसको ख़त्म किया है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि रियासत कर्नाटक में जो 4% कोटा मुसलमानों का था, जिन्होंने इसको राइज किया, क्या वो जाहिल थे, क्या वो अनपढ़ थे जिन्होंने ये कोटा जारी किया था? उन्होंने ये कहा कि हम पेशे के एतबार से बिरादरी के एतबार से ये रिजर्वेशन कोटा देते हैं और मुसलमानों में कोई बिरादरी नहीं है, तो ये उनकी गलत फहमी है। क्या कपड़े धोने वाला धोबी मुसलमान नहीं है? क्या कपड़े सीने वाला दर्जी, क्या उसकी एक बिरादरी अलग नहीं है? मंसूरी एक बिरादरी अलग है, अंसारी एक बिरादरी अलग है। अगर पेशे के एतबार से रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमानों के अंदर पेशावर मौजूद हैं जो कोई कपड़े बुनता है, कोई बाल काटता है, कोई कपड़े सीता है, इस तरह की बिरादरी और पेशावर लोग हैं। जब पेशावर को ये रिजर्वेशन दिया जाता है तो मुसलमानों से ये रिजर्वेशन क्यों ख़त्म किया गया? यहाँ मालूम होता है कि जाते जाते बीजेपी हुकूमत ने अपना काला चेहरा हमारे सामने रख दिया कि हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं, हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और काम करते रहेंगे। ये रियासत कर्नाटक के लिए ये बेहतर कदम नहीं है। और मैं रियासत कर्नाटक की सीकुलर पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या जनता दल हो, और बिलखसूस जो मुसलमानों के लीडरान अपने को मुसलमानों का लीडर कहते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आज वो कमरे के अंदर एसी की हवा में ना बैठें, बल्कि आज मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ है। जैसे आप इलेक्शन के मौके पर आप अपने को वोट जीतने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जिन मुसलमानों के वोट से आप एमएलए बनते हैं, जिन मुसलमानों के वोट से आप काउंसलर बनते हैं, उन्हीं मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की बात हुकूमत ने की है। तो आज आपको आगे निकलें, आवाज़ उठाएं। कल से लेकर आज तक हम देख रहे हैं किसी भी बड़े लीडर का कोई इसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया है। मैं हुकूमत रियासत कर्नाटक की जो भी सेकुलर पार्टियाँ हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अभी मुसलमानों को लगता है कि शायद आप आएंगे और आप साथ देंगे और 4% रिजर्वेशन जो ख़त्म किया गया है उसको बहाल कराएंगे। अगर बहाल नहीं कराया गया
तो रियासत कर्नाटक का पूरा मुस्लिम तबका आगे आएगा। उलमाए किराम की क़यादत में हम बाहर आएंगे और जब तक ये कोटा बाहर नहीं किया जाएगा, हम किसको वोट देना है, कौन सेकुलर पार्टी है, हम उस पर मशवरा करेंगे और उसके बाद ही हम वोट देंगे, क्योंकि रियासत कर्नाटक का इलेक्शन बहुत ही करीब है और इलेक्शन को देखने के बाद ही बीजेपी पार्टी ने ये ख़तरनाक फैसला लिया है। हमें किसी से कोई ये सरोकार नहीं कि किसको कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों का ख़त्म करके दूसरी कम्युनिटी, दूसरे लोगों को जो दिया गया है, हमें इससे तकलीफ हुई है। और मैंने इससे पहले भी कहा है कि किसी का कोटा काट कर आप मुसलमानों को दें, तब आपको मालूम होगा कि रियासत कर्नाटक के कितने ख़तरनाक हालात हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान सब्र करता है और सब्र करता आया है, लेकिन मुसलमानों के सब्र का नाजायज़ फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहिए। आज तमाम लीडरान, उलमाए किराम, कायदीन, अमायदीन आगे आएँ और इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। और हम जब तक ये 4% हमारा रिजर्वेशन कोटा बहाल नहीं होगा, जब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। अगर सेकुलर पार्टियां आगे नहीं आती हैं और ये कोटा अगर बहाल नहीं होता है, तो जैसे कल हम NRC के लिए एहतजाज किए थे, रियासत कर्नाटक के हर ज़िले में, हर ताल्लुक में हम एहतजाज करेंगे। मैंने आपके होते हुए हुकूमत ने ऐसा फैसला क्यों लिया? गवर्नमेंट हमारा सबका है, पूरे 6.5 करोड़ कन्नड़िगा का गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना है, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का सुबह सुबह से ये गुफ्तगू हो रहे हैं और कल से मुझे रियासत से उलमा लोग और दीगर हमारा लीडर्स फ़ोन कर रहे हैं, क्या आप इसका बारे में गवर्नमेंट को मुतालबा करके गवर्नमेंट नोटिफाई करने का, पहला ये रद्द करने का एक कोशिश कर, रद्द कराने का कोशिश करो। मैं कल तरावी का बाद इमीडिएट में ला मिनिस्टर को फ़ोन किया, ला मिनिस्टर ने ये हमारा मुसलमानों सब आतंक में, मुसलमानों बहुत प्रॉब्लम परेशान है, 4% जो हमारा 2B में हमारा रिजर्वेशन था वो तो आप कैंसिल कर लिए, वो तो मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब उन्होंने मुझे कन्विंस करे, ये नोड़ी इधो बरे 4% हमें ये कर को है, लेकिन तो आपको 10% का EWS में हमें आप शामिल कर चुके हैं। और EWS से आपको मालूम है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का एक सेक्शन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बनाए, ये ब्राह्मण्स और जैन्स और बड़े बड़े जो कम्युनिटी रहते हैं उन्होंने फिनंशियली बड़े रहते हैं, लेकिन तो उसमें कौन फिनंशियली गरीब लोग रहते हैं, उनको दूसरा ये रिजर्वेशन नहीं दे सकते, वही कैटेगरी को EWS दिए गए। हमें तो फिनंशियली नहीं, हमें ये इकोनॉमिकली और ये इसमें हमें सोशली हमें बैकवर्ड कम्युनिटी है, बैकवर्ड सामाजिक हिंदुलिद वर्ग, इसलिए हमना 4B में हमना लेके आए। वो पर्टिकुलर हमारा स्पेशल वो ये क्या है का हमारा रिजर्वेशन है, वो कोटा है, वो कोटा में हमारा मुसलमान बच्चे हायर एजुकेशन को जा रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन सकते थे, ये सब हमना मौका नहीं है। वो इकोनॉमिकली और फिनंशियली वो अलग है, EWS का अलग है, ये और 2B का क्या है बोले तो हमारा सोशल बैकवर्डनेस के लिए हमना दिया गया एक अच्छा एक कानून था, वो कानून हटाए करके आज का हमारा पूरे मुसलमानों और मुस्लिम उकला लोग, हमारा दीगर सीनियर लायर सब मुझे ये बताए, हमारा रिटायर्ड ऑफिसर्स भी मुझे सुबह से फ़ोन कर रहे, आप गवर्नमेंट को मुतालबा करो ये रद्द करना ज़रूरी है, क्योंकि EWS में हमें नहीं जा सकते, ब्राह्मण्स के साथ वो बड़े बड़ा कम्युनिटी है, उनके साथ हमें कैसा फाइट कर सकते, वो ये सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी का ये रिजर्वेशन नहीं है, वो अलग एक सेक्शन है, उधर हमने ये दिए तो भी कल का दिन कौन भी कोर्ट को गए तो कोर्ट स्टे इमीडिएट देंगे। और सेकेंड वन क्या है, उसमें दूसरा कम्युनिटी लोग भी आ सकते हैं, ओपन है वो, कल का लिंगायत कम्युनिटी भी आ सकते हैं, उसमें क्या है उधर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, बिलो 8 लाख, 8 लाख का कम किस ये क्या आमदनी किसका साथ है, उन्होंने सब उसमें अप्लाई कर सकते,
वो गरीब लोगों का है, वो इकोनॉमिकली गरीब लोगों का है ईडब्ल्यूएस। ये तो टू बी ए क्या है बोले तो ये सोशली ये क्या बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए इसलिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया करके पूरे रियासत का मुसलमानों का इत्तिफाकन रही है। वो इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट का सामने रखूँगा, मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट रद्द करेंगे और वापस ले लेंगे करके मुझे उम्मीद है। आज तो प्राइम मिनिस्टर आको है सीएम से और दीगर ये कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न मिनिस्टर से बात करने नहीं हुआ, इंशाल्लाह आज शाम से नहीं तो कल मैं गवर्नमेंट से भी बात करूंगा, उम्मीद है रद्द करेंगे। और उलमा बोर्ड का ये डिसाइड यही है, अगर गवर्नमेंट रद्द नहीं करे तो कानून का जंग कानून का फाइट करेंगे, इसलिए ऑलरेडी कोर्ट को जाने का प्लान पूरे सीनियर्स लॉयर्स का भी मीटिंग आज 2:30 को भी मीटिंग हो रहे, उलमा लोग पूरे मिलके एक आज पूरा दिन सीनियर लॉयर्स से और हमारा थिंक टैंकर से बात करके कैसा ये कानून का लड़ाई करना है वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं। फैसला क्यों लिया ये तो ये देखो ये इलेक्शन का बहुत करीब में इलेक्शन, इसलिए मुसलमानों का हर एक जगह में भी ये हो रहे है, इसलिए वो होने का चांस भी है इलेक्शन का ये भी है। लेकिन यहाँ के रिजर्वेशन को उठाकर किसी दूसरे तबके के रिजर्वेशन फराहम करना इस सिलसिले में जो प्लानिंग हुई है तो इस सिलसिले में आपको कुछ पहले से? नहीं नहीं हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं है। लास्ट टाइम ये 2-3 बनाने का टाइम हमें गवर्नमेंट को ये मुतालबा करे थे हमारा 2B को टच नहीं होना ही है, हमारा 2B बरकरार रखना है करके तभी हमें बताए थे, तब से एक गुमानी था 2B वापस करके 2-3 लेके आए करके 2-3 नया एक कैटेगरी बना के हमारा 2B को उन्होंने निकालेंगे करके, इसलिए तभी हमें गवर्नमेंट को ये मुतालबा कर रहे थे हरगिज़ ये 2B को टच नहीं होना चाहिए। हमारा मुसलमानों और साचार रिपोर्ट और हर एक रिपोर्ट हमारा कर्नाटक का जस्टिस से हमारा हावनूर जस्टिस हावनूर का रिपोर्ट भी है और दीगर रिपोर्ट में ये बता रहे हैं सोशली बैकवर्ड कम्युनिटी बहुत बड़ा ये कम्युनिटी मुसलमान है, इसलिए मुसलमानों को 4% से ज़्यादा करना ज़रूरी है करके, इस सिलसिले में हमारा दीगर वो ये क्या हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑलरेडी बैकवर्ड कमीशन को एक मुतालबा एक मेमोरेंडम भी एक 2 महीने का पहला उनको पेश कर चुके हैं। उलमा का ये जो स्टैंड है ये अपनी जगह, लेकिन आप मोबाइल से बताएं कि चूंकि एक सरकारी नुमाइंदा है यहाँ पर तो आप इसे किस हद तक सही समझते हैं किस हद तक गलत समझते हैं? नहीं है बिल्कुल ये मुसलमानों को बहुत बड़ा परेशान है, मुसलमानों इसका खिलाफ इंशाल्लाह गवर्नमेंट का सामने पेश करेंगे, मैं भी करूंगा और उसके साथ साथ ये कानून का एक फाइट करना ही है, ये मुसलमानों को मुसलमान बच्चे कहाँ जाएंगे, 4% में हमारा मुसलमानों इतना SC ST से पीछे है, अभी भी ये भी कैंसिल कर रहे तो मुसलमानों कहाँ जाना है, अभी टायर पंचर और गैरेजी और फ्रूट्स का दुकान मच्छी का दुकान वही हमारा हालात हो जाएगा, हमारा बच्चे ये 2B का ये एक बहाने से कुछ लोग IAS IPS एक तो हो रहे थे, अभी तो हायर एजुकेशन के हमारा बच्चे कैसा जाएंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैसा बनेंगे, ये बहुत बड़ा नुकसान है मुसलमानों का। सरकारी फैसला जो हुआ है वो RSS के इशारों पर हुआ है वो तो मुझे मालूम नहीं है, ये गवर्नमेंट को जो उलमा बोर्ड का मुतालबा है मैं इंशाल्लाह गवर्नमेंट का सामने पेश करूंगा। सिर्फ मुतालबा पेश करना काफ़ी है या इससे आगे बढ़कर नहीं है, वो करेंगे या फिर ये तो उलमा बोर्ड का जो मुतालबा और पूरा कर्नाटक का मुसलमानों का ये एक रिक्वेस्ट है वो मैं गवर्नमेंट को कन्विंस करूँगा, गवर्नमेंट को मैं गवर्नमेंट का नॉलेज में लेके आऊँगा, अगर गवर्नमेंट रद्द नहीं करे क्या भी फैसला नहीं लिए पूरे कर्नाटक का मुसलमान और उलमाओं का जो फैसला है वो फैसला हो जाएगा कर्नाटक का वक्फ बोर्ड का भी, वक्फ बोर्ड हमेशा कर्नाटक का मुसलमानों का और उलमा बोर्ड का जो फैसला है वो फैसला का ऊपर इंशाल्लाह मैं भी बरकरार रहेंगे। बोर्ड पर कहीं ना कहीं प्रेजर डालकर कहीं ना कहीं खामोश करा दिया जाने का हमारा ऊपर कौन सा भी प्रेजर ही नहीं है, मैं चेयरमैन होने के बाद मैं कौन सा भी पार्टी का नुमाइंदगी नहीं है, वो आप बता रहे मैं मेरा वो तो आपको खुशी से बताइए, लेकिन तो मैं कौन सा भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रख रहा हूँ और अभी मौजूदा गवर्नमेंट
वक्फ बोर्ड का मुदाखलत कौन सा भी इसमें भी मुदाखलत नहीं कर रहे, हम ना भरपूर ये ताउन भी और साथ भी दे रहे गवर्नमेंट, उसमें भी हमारा लॉ मिनिस्टर और हमारा जुल्ले मैडम बहुत अच्छा साथ दे रहे। हम मुदाखलत हरगिज एक सब्जेक्ट में भी वक्फ बोर्ड का ऊपर कौन सा भी मुदाखलत इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का तरफ से नहीं है, हमें प्रेजर में काम करने वाले भी नहीं है।